सी सवाल है कि झारखंड में किसकी सरकार। वैसे तो सर्वे एक एनालिसिस होता है, अकाट सत्य नहीं, लेकिन सर्वे के आधार पर आज हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव का वो नतीजा बताएंगे जिसकी भविष्यवाणी विश्वसनीय चुनावी सर्वे करने वाली संस्था एक्सिस माय इंडिया ने की है। 23 नवंबर से पहले झारखंड की एक एक सीट जान लीजिए कि संथाल परगना से लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान से लेकर पलामू रीजन तक में कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, एक एक क्षेत्र का नतीजा कौन कहां जीत रहा है। देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक पोल। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर मतदान खत्म हो गया, जिसके साथ ही नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। झारखंड में मतदाताओं के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि जनता इस बार उन्हें सत्ता की चाबी सौंपेगी। हालांकि किसकी जीत और किसकी हार होगी, इसका फैसला 23 नवंबर को नतीजों के बाद हो जाएगा। चुनाव के बाद नतीजों से पहले एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक हेमंत सोरेन की अगुवाई में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को करारा झटका लगता नजर आ रहा। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के माने तो इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए को मात्र 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर सीट के हिसाब से पार्टियों की सीटों को देखें तो एनडीए गठबंधन को 17 से 27 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें बीजेपी को 16 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो वहीं AJSUP को 0 से 1 सीट, JDU को 0 से 1 सीट, LJP रामविलास को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें 2 सीटें कम या ज्यादा हो सकती है। और वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37% सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 32 से 36 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 13 से 16 सीटें, RJD को 3 से 4 सीट और CPI ML को 1 से 3 सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया जा रहा है, यानी इनका कुल वोट शेयर 45% तक होने का अनुमान है। वहीं जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है और उनका वोट शेयर 8% तक बताया जा रहा है। वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया जा रहा है और वोट शेयर है 10%। यानी एक्सिस माई इंडिया के सर्वे की माने तो एक बार फिर झारखंड के सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सत्ता रिपीट करता नजर आ रहा। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहा कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है, JMM और कांग्रेस राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव रोजगार, विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घुसपैठ जैसे मुद्दे पर लड़ा गया। यहां तक कि इस चुनाव में बीजेपी ने हिंदू एकता का भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक जनता का रुझान एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ देखा जा रहा है। ऐसे में अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 5 क्षेत्रों में विधानसभा की 81 सीटों को बांटा गया, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान प्रमंडल है। सबसे पहले बात उत्तरी छोटा नागपुर की करें तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक उत्तरी छोटा नागपुर रीजन की 25 सीटों में से यहां एनडीए गठबंधन को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 12, JLKM पार्टी को
दो सीटें एक्सिस माय इंडिया अपने सर्वे में दे रहा। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 36%, इंडिया गठबंधन को 40, जेएलकेएम को 14%, तो वहीं अन्य को 10% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। वहीं अगर दक्षिण छोटा नागपुर रीजन की 15 सीटों की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37%, इंडिया गठबंधन को 47, जेएलकेएम को 6%, तो वहीं अन्य को 10% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। आदिवासी बेल्ट की बात करें तो संथाल परगना की 18 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया जा रहा। संथाल परगना को लेकर एक्सिस माई इंडिया की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37%, इंडिया गठबंधन को 52%, जेएलकेएम को 3%, तो वहीं अन्य को 8% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। वहीं कोल्हान प्रमंडल के 14 सीटों को लेकर एक्सिस माई इंडिया सर्वे की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 35%, इंडिया गठबंधन को 49%, जेएलकेएम को 7%, तो वहीं अन्य को 9% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। और आखिरी रीजन यानी कि पलामू रीजन की बात करें तो पलामू की 9 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 33%, इंडिया गठबंधन को 47%, जेएलकेएम को 2%, तो वहीं अन्य को 18% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। हमें मालूम था कि जिस तरह देश का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, झारखंड में बदलाव हो रहा है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड में, सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भड़म पैदा कर रहे थे, सब भड़म दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए। राजनीति में एक बात साफ है कि बिना आधी आबादी के समर्थन के ना तो किसी की सरकार बन सकती है और ना ही चल सकती। ऐसे में चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही दलों ने आधी आबादी को रुझाने और अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन के वादों और योजनाओं को महिलाओं का साथ मिलता नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक पुरुष और महिलाओं ने किसका कितना साथ दिया, अब उस पर नजर डालते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए गठबंधन को 39% पुरुष, तो वही 35% महिलाओं के वोट मिलने का अनुमान है। वह इंडिया गठबंधन को 43% पुरुष और 47% महिलाओं के वोट मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। वहीं जेएलकेएम और अन्य को 18% पुरुष और महिला वोटर्स का साथ मिलता सर्वे में दिखाया गया। महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सरकार में आई तो ये राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 2,500 रुपए कर दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी महिलाओं को लुभाने के लिए गोगो दीदी योजना शुरू करने का वादा किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सत्ता में आने पर प्रतिमाह महिलाओं को 2100 रुपए देगी। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में आधी आबादी का रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ जाता दिखाई दे रहा। वहीं अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक किस जाति ने किसे कितना वोट किया, आइए उस पर नजर डालते हैं। एनडीए गठबंधन को एससी यानी अनुसूचित जाति ने 43%, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों ने 27%, मुस्लिम ने 2, मेहतो ने 24%, यादव ने 42, अन्य ओबीसी ने 57, तो वहीं अगड़ी जाति में ब्राह्मण ने 63, राजपूत ने 60 और अन्य अगड़ों ने 66 और अन्य जाति के वोटर्स ने 61% वोट किया। वह इंडिया गठबंधन की बात करें तो एससी यानी अनुसूचित जाति ने 39%, अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी ने 62%, मुस्लिमों ने 86, मेहतो ने 12%, यादव ने 39, अन्य ओबीसी ने 22, तो वहीं अगड़ी जाति में ब्राह्मण ने 24, राजपूत ने 26, अन्य अगड़ों ने 21 और अन्य जाति के वोटर्स ने 23% वोट किया।
यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले वोट बैंक में सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं अगर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक शहरी क्षेत्र में एनडीए गठबंधन को 35% लोगों ने वोट किया, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 40% लोगों का वोट एनडीए गठबंधन को पड़ा है, ऐसा अनुमान एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में लगाया गया। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 46%, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 44% लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। झारखंड में रोजगार, किसान, सरकारी नौकरी जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से सभी दलों ने उठाया, ऐसे में इसका क्या असर देखने को मिला है और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे क्या कहता है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे पर गौर करें तो बेरोजगार युवाओं ने 34% वोट एनडीए गठबंधन को किया है, वहीं 36% मजदूर, 42% किसान, 47% छोटे व्यापारी, 35% हाउसवाइफ और 35% सरकारी मुलाजिमों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है, ऐसा अनुमान एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में लगाया गया। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो बेरोजगार युवाओं ने 49% वोट इंडिया गठबंधन को किया है, वही 46% मजदूर, 52% किसान, 37% छोटे व्यापारी, 49% हाउसवाइफ और 42% सरकारी मुलाजिमों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने का अनुमान है। झारखंड के चुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो 23 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर प्रदेश की जनता की पसंद क्या है, वो भी एक्सिस माई इंडिया के सर्वे ने अनुमान लगाया है। बाबूलाल मरांडी को 13% जनता ने सीएम के तौर पर अपनी पहली पसंद बताई है, तो वहीं चंपई सोरेन को 7% लोगों ने सीएम फेस माना है। वहीं हेमंत सोरेन को 41% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं जीएलकेएम पार्टी के जयराम महतो को 7% लोग सीएम के रूप में पहली पसंद मान रहे हैं। अगर एक्सिस माई इंडिया के चुनावी सर्वे के अनुमान के करीब ही नतीजे रहे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड ने हेमंत सोरेन की गारंटियों पर भरोसा किया, इंडिया गठबंधन की बातों पर यकीन किया और बीजेपी और उसके एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यानी एक्सिस माई इंडिया के चुनावी सर्वे में हेमंत सरकार की वापसी होती नजर आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट।